हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों, आज मैं आपको पैंट की कमर अगर आपकी लूज हो जाए या टाइट हो जाए तो वो दो तरीके से बताने वाला हूँ कि पैंट की कमर को किस तरह से लूज और टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तरीका है तो बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं, जो दूसरा तरीका है वो भी दोस्तों आसान तरीका है, लेकिन वो तरीका है बहुत कम लोगों को पता होता है। तो अगर आपको ये दोनों तरीके आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो अगर ज़्यादा पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कर दिया करें, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये पैंट की कटिंग का तरीका सीखना है और इसका सिलाई का, तो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप कटिंग और सिलाई के तरीके सीख सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं और आपको पैंट की कमर लूज टाइट करके बताते हैं किस तरह से हम पैंट की कमर लूज और टाइट कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पैंट की फिटिंग करने का जो तरीका है, अगर आपकी पैंट की कमर लूज हो जाए या टाइट हो जाए तो उसे हम किस तरह से टाइट या लूज कर सकते हैं, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में तरीका बताने वाला हूँ। ये देखिए, जहाँ से हम 20 सेंटर में सिलाई लगा के इलास्टिक को अटैच करते हैं, तो ये हमें सिलाई खोलना है, और उसके बाद में ये जो 20 सेंटर में, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो बीच में हमने सिलाई लगा रखी है तो ये सिलाई खोल लेना है। तो ये दोनों सिलाई खोल के हम दिखाते हैं, पहले कैंची की नोक की मदद से, या फिर आपके पास में सुई बड़ी वाली हो तो उससे भी खोल सकते हैं। तो ये देखिए, सिलाई हमें इस तरह से खोलना है। तो ये इस तरह से हमें सिलाई पूरी कमर की खोल लेना है। तो ये दोस्तों देखिए, हमने 20 वाली सिलाई है जो ये देखिए खोल लिया है। अब ये कपड़े को हम किधर भी कर सकते हैं, मतलब इधर से, ये देखिए जहाँ पे पूरा बेल्ट इलास्टिक में हमारा बराबर था, तो इस कपड़े को हमें इस तरह से आगे की तरफ सारा कर देना है, ताकि इलास्टिक हमारी जब यहाँ से खोलेंगे तो अंदर की तरफ ना जाने पाए। अगर अंदर इलास्टिक आपकी चली गई तो दोस्तों ये सिलाई आपको खोलनी पड़ जाएगी, तो उससे फिर काम आपका ज़्यादा पड़ जाएगा। अब इसके बाद में जब ये कपड़ा हमने देखिए इस तरह से कर दिया है, एक बार इस तरह से आप जरूर इसे चेक कर लें कि इलास्टिक के बराबर से ही कपड़ा हो, उसके ऊपर ये वाला जो कपड़ा एक्स्ट्रा होता है तो वो ना हो। अभी हमें ये जो 20 सेंटर वाली सिलाई है तो ये खोलना है। अब दोस्तों इलास्टिक लगाता हूं मैं दूसरी तरीके से, ये हमारी जो पेस्टिंग है और इलास्टिक पूरे कपड़ा एक बार में कमर में मैं लगाता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पे बीच में मैं थोड़ी सी सिलाई यहाँ पे छोड़ देता हूँ जब इलास्टिक डालता हूँ, तो उसके लिए ये सिलाई हमें यहाँ तक की थोड़ी सी खोलनी पड़ेगी। ये देखिए, 2 इंच का ये जो मुंह हमने खोल दिया है, तो ये जब मैं इलास्टिक शुरू में डालता हूँ, जब भी यहीं से मेरी कमर की इलास्टिक डालने के लिए इतना ये मुंह खुला रहता है। तो ये देखिए, हमने ये 20 सेंटर वाली जो सिलाई यहाँ से लगा के इलास्टिक को अटैच किया था तो वो हमने खोल दिया है। अब ये इलास्टिक को हमें, ये देखिए, इस तरह से यहाँ से निकाल लेना है, और निकालने के बाद में अगर आपकी कमर टाइट हो रही है तो दोस्तों इसमें इलास्टिक जोड़ लेना है, जितनी आपकी कमर टाइट हो, 1 इंच 2 इंच। तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखिए इलास्टिक है, और इलास्टिक आपको वही वाली लेनी है जो हमने ये इसमें कमर में लगा रखी है, कम ज्यादा चौड़ी ना हो। अब मान लीजिए आपकी 1 इंच कमर अगर टाइट है तो हमें 1 इंच की इलास्टिक कटिंग करना है, और अगर आपकी 2 इंच कमर टाइट है तो 2 इंच, और या 3 इंच तो 3 इंच, मतलब जितनी भी आपकी कमर टाइट हो उतनी ही इलास्टिक हमें कटिंग करना है। तो ये मान लीजिए हम 2 इंच इलास्टिक कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में ये देखिए इलास्टिक को हमें ज्वाइंट कैसे लगाना है, इसके ऊपर इस तरह से हम नहीं रखेंगे, नहीं इलास्टिक हमारी मोटी हो जाती है। हमें इलास्टिक को इस तरह से रखना है और बराबर मिला के दोनों तरफ, और दोस्तों इसमें हमें इलास्टिक के ऊपर से इस तरह से सिलाई चला लेना है। तो ये हम आपको प्रैक्टिकल मशीन पे ही चल के बताते हैं किस तरह से हमें इलास्टिक को अटैच करना है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम मशीन पर, और ये देखिए इलास्टिक को हमें इस तरह से दोनों को बराबर मिला के रखना है। इसे बिल्कुल भी हम तलपट इस तरह से चढ़ा के नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी इलास्टिक मोटी हो जाएगी उससे। और इसे हम बराबर मिलाने के बाद में देखिए सिलाई हमें किस तरह से लगाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इलास्टिक में सिलाई लगाना है।
इस तरह से थोड़ा सा सिलाई लगाने के बाद में अब दोस्तों हम दूसरी साइड ये देखिए इस तरह से हमें तो दोस्तों ये देखिए हमने इस तरह से इलास्टिक इसमें बढ़ा लिया है, मतलब ये अब हमारी कमर 2 इंच लूज हो जाएगी। अगर आपको बाय चांस इसे टाइट करना है तो ये जो हमारी इलास्टिक पहले जितनी लगी हुई थी ये जो हमने अटैच किया है तो ये हम कट इन करके ये देखिए निकाल दे रहे हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए हम ये सिर्फ ज्वाइंट लगा के दिखाया कि किस तरह से इसमें इलास्टिक में ज्वाइंट लगाएंगे। अब इसे हमें कट इन करके इस तरह से निकाल देना है क्योंकि हमारी पैंट बिल्कुल फिटिंग सही है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने बताया है। दोस्तों एक तरीका ये मैंने बता दिया आप किस तरह से कमर को लूज कर सकते हैं इलास्टिक जोड़ करके इस तरह से सिलाई लगा के। अब जो इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि कमर को हमें किस तरह से टाइट करना है, तो दोस्तों टाइट करने के लिए अगर जितनी भी कमर आपकी लूज है, मान लीजिए 1 इंच लूज है, तो आपको इलास्टिक 1 इंच काट के निकाल देना है। अगर 2 इंच लूज है तो दोस्तों 2 इंच इलास्टिक कट इन करके निकाल देना है। ये देखिए इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे, 1 इंच है तो इस तरह से 1 इंच कट इन करके पूरी इलास्टिक निकाल देना है, 2 इंच है तो 2 इंच आपकी, मान लीजिए जितनी भी कमर टाइट करना है तो उतनी ही आपको इलास्टिक कट इन करके निकाल देना। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इस इलास्टिक को अंदर ये देखिए इस तरह से ले जाना है। कई एक पैंटों में दोस्तों यहाँ पे साइड में पूरी बेल्ट में जोड़ होता है, फ्रंट की पेस्टिंग अलग लगाते हैं और बैक की इलास्टिक अलग लगाते हैं, तो वो यहाँ से खुल जाती है। ये जो हमने बेल्ट डाली हुई है तो दोस्तों पूरे ऑल ओवर एक बार में ही डली हुई है, तो इसमें बेल्ट में हमारे जोड़ नहीं है, तो ये हमें इस तरह से ही करना होगा। ये इलास्टिक को ये देखिए हम ये जो कमर है तो कमर के बराबर से ही इस तरह से मिलाने के बाद में ये जहां पे पॉकेट लगी है तो वहीं पे हमें सिलाई से पहले इलास्टिक को इस तरह अंदर करेंगे और सिलाई लगा के पहले पक्का कर देना है। और दोस्तों ये इलास्टिक अंदर की तरफ ना जाए तो इसलिए एक काम और कर सकते हैं, आपके पास ये यहाँ पे इस तरह से आप फंसा दे ताकि ये इलास्टिक हमारी अंदर की तरफ ना निकले। और उसके बाद में इस इलास्टिक को आपको कमर के बराबर मिला देना है, और मिलाने के बाद में दोस्तों पहले हम सिलाई ये देखिए इस तरह से इलास्टिक को पक्का करने के लिए लगाएंगे। और अब ये जो इसका मुंह खुला हुआ है जहां से हमने इलास्टिक अंदर किया है तो वो हमें बंद कर देना है। अब दोस्तों हमें सुई ये निकाल लेना है, अगर आप सुई लगाएं तो सुई निकाल लें, आलपिन लगाएं तो आलपिन, और ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा देना है। और ये धागे फिनिशिंग से कट इन कर देना है। और दोस्तों ये देखिए हमें कपड़े को अब ये देखिए इस तरह से पूरी इलास्टिक में बराबर कर लेना है खींच के। अब इसके बाद में ये देखिए हम 20 सेंटर में सिलाई लगा देंगे। ये थोड़ी दूर में हमें देखिए इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से खींचेंगे तो ये हमारी इलास्टिक में सिलाई इस तरह से लग जाएगी। फिर थोड़ी दूर में पकड़ना है, सुई को हमें नीचे करके रखना है, ये देखिए इस तरह से फिर सुई को नीचे करना है और इसे फिर खींच लेंगे इस तरह से। और जहां तक हमारी इलास्टिक लगी हुई है तो उस तरह से लगाने के बाद में इस तरह से हमें बाहर निकाल लेना है। तो ये दोस्तों देखिए हमने दोनों तरीके आपको बता दिए कि आप पैंट की कमर अगर आपकी लूज हो जाए या टाइट हो जाए तो किस तरह से लूज टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये पैंट की कमर का लूज टाइट करने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।